नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी राज्य सरकार एकाएक लोक लुभावने फैसले ले रही है। चुनावी साल में जहां सीएम धामी घोषणाएं कर रहे हैं, तो दूसरी ओर देर रात तक चली धामी कैबिनेट की बैठक में भी ऐसे अनगिनत लोक लुभावने फैसले लिए गए। माना यह जा रहा है कि सरकार ने चुनावी साल में हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की। आपको बता दें कि राज्य कैबिनेट में 30 प्रस्ताव रखे गए थे, जिनमें से कैबिनेट ने 28 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी दल तैयारियों में जुटे हैं। चुनावी तैयारियों के लिहाज से बीजेपी अन्य दलों से काफी आगे निकल चुकी है। इन्हीं तैयारियों के साथ ही सीएम धामी फ्रंट फुट पर आकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिससे विपक्ष को क्लीन बोल्ड किया जा सके। चुनावी मैच को जीतने के लिए एक ओर जहां सीएम जनता को करोड़ों की योजनाओं की सौगात दे रहे हैं, तो दूसरी ओर कई ऐसे निर्णय भी ले रहे हैं जिससे हर वर्ग को खुश किया जा सके। इसी कड़ी में सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 30 प्रस्ताव रखे गए। इनमें से कैबिनेट ने कुल 28 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी है। टेक्सटाइल पार्क पॉलिसी में भी कुछ प्राविधान किए गए हैं, ताकि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज यहाँ पर इस राज्य में आ सके। इसके साथ साथ एक मेगा इंडस्ट्री पॉलिसी भी लाई है, जिसमें करीबन 1700 करोड़ से ज्यादा के यहाँ पर निवेशकों के यहाँ पर हम पे प्रस्ताव है, जिसके माध्यम से सत्रह हजार करोड़ के प्रस्ताव हमारे पास पेंडिंग है, जिसके माध्यम से 17,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। चलिए एक नजर डालते हैं धामी कैबिनेट के फैसलों पर। धामी कैबिनेट के फैसले, उत्तराखंड खेल नीति को मंजूरी, राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत आवंटित खाद्यान्न पर राशन विक्रेताओं का लाभांश 18 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति क्विंटल। श्री बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत प्रभावित होने वाली भूमि, भवन, लॉन्च आदि भूमि और भवन स्वामियों की सहमति के आधार पर प्रतिकर दिए जाने का निर्णय। केदार धाम में मास्टर प्लान के तहत प्रायोजित विभिन्न निर्माण कार्यों, निविदा कार्यों में शीतलीकरण को मंजूरी। उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग टेक्नीशियन संवर्ग सेवा नियमावली संशोधन को मंजूरी। उत्तराखंड मेगा इंडस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति 2021 को मंजूरी। दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना में 33% सब्सिडी और 10 लाख के मानक को बढ़ाकर 50% सब्सिडी को मंजूरी। भोजन माता के वेतन मानदेय को 2000 रुपए बढ़ाकर 3000 रुपए करने का निर्णय। पीआरडी जवान के वेतन मानदेय में प्रतिदिन 70 रुपए की दर से 2100 करने को मंजूरी। उत्तराखंड आबकारी प्रीमियम रिटेल वेंट्स शॉपिंग मॉल्स डिपार्टमेंटल स्टोर हवाई अड्डा में स्थित दुकान के अनुज्ञापन का व्यवस्थापन नियमावली 2021 को मंजूरी। एक ओर जहां सरकार एकाएक निर्णय लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार चुनाव को ध्यान में रखते हुए ऐसे लोक लुभावने फैसले ले रही है। साथ ही विपक्ष का आरोप है कि कैबिनेट की बैठक में सरकार ने शराब को बढ़ावा देने जैसी भी कई फैसले लिए हैं। साथ ही कैबिनेट ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीख भी तय नहीं की है, जिससे साफ है कि सरकार गैरसैंण में सत्र कराने के पक्ष में नहीं है। देखिए, जिस तरीके से ये तय था कि आज जो कैबिनेट की बैठक आहूत की गई है, तो ये पहले से ही डिसाइडेड था कि लोक लुभावने जो वादे हैं वही सरकार करेगी। अब 4.5 साल हो गए सरकार के कार्यकाल को, सरकार को ना भोजन माताओं की याद आई, ना जो है जो संविदा में लोग हैं उनकी याद आई, ना उन्हें गोल्ड मेडल जीतने वालों की याद आई, ना उन्हें खिलाड़ियों की याद आई। आज जब चुनाव सर पे है, आचार संहिता लगने वाली है, तो उन्हें आप ये सारे लोग आपको याद आ रहे हैं। तो ये स्पष्ट करता है कि जनता देवभूमि की भोली जरूर है, बट बेवकूफ नहीं है और वो समझ चुकी है भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत दोनों को। कैबिनेट की जो बैठक हुई और जो शीतकालीन सत्र को लेकर से पूर्व, मतलब उसमें शीतकालीन सत्र जो 28-29 को होना था, 29-30 को होना था, 2 दिवसीय, उसको रद्द किया गया। लेकिन अभी तय नहीं है कि शीतकालीन सत्र कब होना है, लेकिन आगामी चुनाव के मद्देनजर रखते हुए
जिस तरह से भाजपा नीत सरकार उलझुन निर्णय ले रही है, लोग रुभाने निर्णय ले रही है, ये केवल जनता को बरगलाने के लिए आज इनका रोजगार के मुद्दे भी आ गए हैं, आज इसके अन्य मुद्दे भी आ रहे हैं। लेकिन जो वो पुरानी मांगे हैं बेरोजगारों की, जो पुरानी मांगे हैं वो अभी तक पूर्ण नहीं हुई हैं। देवास्थानम बोर्ड पे इन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया है। देखिए, जिस भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 4.5-5 साल में कोई काम नहीं किया, और हमने इस बात का चैलेंज किया था कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ पिछले 5 साल के 5 काम ऐसे गिना दे जिसमें जनता को सीधा सीधा फायदा पहुंचा हो। कुल मिलाकर चुनाव से पहले लोक लुभावने फैसले लेना कोई नई बात नहीं है। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि सरकार के इन फैसलों का चुनावों में कितना फायदा मिलेगा। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि सरकार के इन फैसलों से आमजन को कहीं ना कहीं फायदा तो मिलेगा ही। देहरादून से न्यूज वर्ल्ड इंडिया के लिए वीडियो जर्नलिस्ट सागर विश्व के साथ सुभाष गौड़ की रिपोर्ट। उत्तराखंड में जगह जगह कांग्रेस का मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम के अंतर्गत आज रुड़की के झबरेड़ा में आयोजन किया गया, जिसमें झबरेड़ा विधानसभा के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र ज्वाति ने लोगों को आमंत्रित किया और इस मौके पर हर बूथ से लोग पहुंचे और 2022 के चुनाव के मद्देनजर बूथ अधिकारियों को समझाया गया कि अपने बूथ को किस तरह से सफल बनाना है। वहीं इस मौके पर झबरेड़ा विधानसभा से कांग्रेस के टिकट के दावेदार और वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीरेंद्र ज्वाति ने कहा कि हम हर बूथ पर अपने कार्यकर्ताओं की तरफ से अपनी पकड़ को मजबूत कर रहे हैं, जिससे 2022 के चुनाव में उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है और जो थोड़ी बहुत गुटबाजी है उसे चुनाव आने तक दूर कर लिया जाएगा। कि जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं झबरेड़ा विधानसभा में, लगभग 145 बूथ के आसपास 143 बूथ हैं जो नहीं है, हमारी वोटर लिस्ट में आई हैं, और वहाँ से लगभग दो तीन लोग यहाँ पर प्रशिक्षण के लिए आए हुए हैं, और जो प्रशिक्षण कार्यशाला यहाँ पर चल रही है उससे निश्चित रूप से प्रशिक्षण लेकर के बूथों पर जो हमारे कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं वो प्रशिक्षण लेकर के मजबूती के साथ कार्य करेंगे और कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे। देखिए, हम लोग माइक्रो लेवल मैनेजमेंट पे विश्वास करते हैं। माइक्रो लेवल मैनेजमेंट, देखिए, अगर बूथ ही हमारी छोटी इकाई है, अगर बूथ से हम नहीं जीतेंगे तो फिर हम न तो विधानसभा जीत पाएंगे ना हम पार्लियामेंट जीत पाएंगे। देखिए, सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी कल रुद्रपुर पहुंचेंगे, जहां वो रुद्रपुर के गांधी पार्क में आयोजित पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करीब 2 घंटे रुद्रपुर में रुकेंगे, जिसको लेकर प्रशासन ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बता दें कि रुद्रपुर के गांधी पार्क में लोक योजना अभियान 2021 के तहत राज्य स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। वहीं अति मुख्य अतिथि केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट समेत तमाम लोग मौजूद रहेंगे। हरिद्वार एसएसपी के निर्देश पर नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में भगवानपुर थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक नशा तस्कर को स्मैक की खेप के साथ गिरफ्तार किया। आरोपित पहले भी एनडीपीएस के मुकदमे दर्ज उस पर हो चुके हैं। पुलिस ने आरोपित से पूछताछ कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। फिलहाल आरोपित स्मैक की खेप कहां से लेकर आया था इसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। ये भगवानपुर पुलिस लगातार जो हमारे नशे के विरुद्ध जो जनपद हरिद्वार पुलिस और माननीय डीजीपी महोदय के निर्देशन में लगातार जो कार्य कर रही है, उस परिप्रेक्ष्य में कल भगवानपुर थाना पुलिस द्वारा एक व्यक्ति की से करीब 260 ग्राम स्मैक की प्राप्ति हुई है। पहले भी ये लगातार इस तरीके की उसमें इसकी सूचनाएं हमें मिल रही थी, पुलिस इस पर लगातार लगी हुई थी। कल एक भारी खेप के साथ इसको पकड़ा गया है। इसके खिलाफ जो भी एनडीपीएस की जो संबंधित धाराएं हैं धारा में अभियोग पंजीकृत करके इसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मथुरा के मथुरक थाना कोसीकला क्षेत्र में यूपीएससी की परीक्षा देकर वापस लौट रही युवती के साथ युवती के दोस्तों ने चलती कार में सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद आरोपियों ने युवती को कोसीकला बाईपास के किनारे फेंक दिया। घटना के बाद पीड़िता के भाई ने एक युवक के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
कासगंज के थाना सहावर क्षेत्र में आम के पेड़ पर युवक का शव लटका मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये मामला था, ये बताइयों गए थे शादी में, इन्होंने एक लड़की ऐसे अपनी सेल्फी ली थी, सेल्फी लेने के बाद इन्होंने लड़की का फोटो आ गया पीछे, इन्हें स्टेज पर लगा दिया। लगाने के बाद जिसने लड़के ने देखा उसने अपने मामा को फ़ोन कर दिया, उसकी मामा की भतीजी लगती थी, वो लोग स्टेशन पर आ गया था, ये स्टेशन पर उठा के ले गए वो लोग इसे, उसे मार तोड़ा कराया कमरे में बंद कर कर, उसके बाद जी वहाँ से गायब है, वहाँ से फ़ोन आया टुमको नहीं मिल लिया है, हम लोगों ने ढूंढा यहाँ रात के 10-11 बजे तक, तो सुबह कुछ लोगों ने फ़ोन कराया था यहाँ ऐसे डेड बॉडी टंगी फांसी लगा कोई, हम लोग सुबह आए तो पता चला भाई है ना इसकी जीभ निकली है ना पैर, दोनों ज़मीन पर रखे हुए थे, इसके दोनों पैर जमीन पर थे, ना जीभ निकली ना कोई, मुँह में से खून निकला है नाक में से खून निकला हुआ है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून को वापस लेकर बड़ा दाव चला है। तीनों कृषि कानून को रद्द करने के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को मंजूरी भी दे दी है और शीतकालीन सत्र में अमलीजामा भी पहना दिया जाएगा। बीजेपी ने इस तरह से विपक्ष के हाथों से बड़ा मुद्दा छीन लिया। ऐसे में अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किसानों को साधे रखने के लिए बड़ा सियासी दाव चल दिया है। अखिलेश यादव ने कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन करने के दौरान शहीद हुए किसान परिवारों को 25-25 लाख रुपए का वादा किया है। सपा अध्यक्ष ने बुधवार को ट्वीट कर कहा कि किसान का जीवन अनमोल होता है क्योंकि वो अन्न के लिए अन्न उगाता है। ऐसे में हम वचन देते हैं कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार के आते ही किसान आंदोलन के शहीदों को 25 लाख के किसान शहादत सम्मान राशि दी जाएगी। बता दें कि तीनों कृषि कानून की वापसी के ऐलान किए जाने के बाद से किसान आंदोलन में मरने वाले किसानों के मुआवजे की मांग उठ रही है। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन करने वाले सिर्फ किसान मोर्चा ने कानून वापसी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कई मांग की थी। इसमें कृषि कानून के विरोध में किसान आंदोलन के दौरान मरने वाले किसान के परिवार के लिए मुआवजे की भी मांग शामिल थी। उत्तर प्रदेश के सत्ता में वापसी के लिए समाजवादी पार्टी हर संभव कोशिशों में जुटी हुई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सभी छोटे दलों के साथ गठबंधन के दरवाजे खोल दिए हैं। इस कड़ी में आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने आज अखिलेश यादव से मुलाकात कर गठबंधन पर चर्चा की। अखिलेश, आप सहित तमाम छोटे दलों का वेलकम तो कर रहे हैं लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM के लिए गठबंधन के दरवाजे बंद कर दिए। यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी अपनी सियासी समीकरण दुरुस्त करने और राजनीतिक दलों के साथ गठजोड़ बनाने में जुटी है। इसी कड़ी में सपा के ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के बाद जयंत चौधरी के RLT के साथ गठबंधन फाइनल करने के बाद अब आम आदमी पार्टी और अपना दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बातचीत शुरू हो गई है। इतना ही नहीं, सूबे के तमाम छोटे दलों को भी अखिलेश यादव अपने साथ मिलाने की मुहिम में जुटे हैं। सपा नेता सुनील सिंह साजो ने कहा है कि सपा लगातार छोटे दलों को साथ लेने की कोशिश कर रही है। 2022 के चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए सपा का दरवाजा सभी छोटे दलों के लिए खुला है। ऐसे में किस दल के साथ गठबंधन होगा इसे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तय कर रहे हैं। PM गरीब कल्याण अन्न योजना की मियाद मोदी सरकार ने बढ़ा दी है। अब अगले साल मार्च तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट की बैठक के बाद ये जानकारी दी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस पर कुल 53,344 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। इस योजना से करीब 80 करोड़ लोगों को फायदा मिलता रहेगा। अब तक 600 लाख मीट्रिक टन स्वीकृति किया जा चुका है। कुल मिलाकर इस पर 2.6 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। अनुराग ठाकुर ने बताया कि कैबिनेट तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए एक बिल को भी मंजूरी दे दी। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने के बाद इस बिल को संसद में पेश किया जाएगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को देश के नाम संबोधन में तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी। साथ ही PM मोदी ने कहा था कि MSP को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कमेटी का गठन भी किया जाएगा। दो हजार बीस से लेकर अब तक लगभग 15 महीने तक देश के करोड़ों को देने का काम किया है, करोड़ों लोगों को देने का काम किया है। उसमें दिसंबर 2021 से लेकर मार्च 2022 तक 4 महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय किया गया है। इस पे कुल मिलाकर 53,344 करोड़ रुपया खर्च आएगा और ये जो अगले 4 महीने दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक
इसको लागू करने का निर्णय किया गया है। और ये जो खाद्यान्न मिलेंगे ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जिनको मिलता है या अंत्योदय योजना के अंतर्गत जो राशन मिलता है उसके अलावा जैसे पहले भी दिया गया वैसे इसको भी उससे अलग से ही दिया जाएगा, उसके अतिरिक्त दिया जाएगा। दूसरा निर्णय, जैसा आपको ज्ञात है कि 19 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुरुपूर्व के अवसर पर देश को संबोधित करते हुए ये घोषणा की थी कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे और ये तीनों कृषि कानून जिसमें पहला कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 है, दूसरा मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक 2020 व तीसरा जो है आवश्यक वस्तु संशोधन बिल को, इन तीनों को ही वापस लेने की उन्होंने उस समय घोषणा की थी। और उसके बाद आज जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें इन सभी औपचारिकताओं को पूरा करके कैबिनेट ने तीनों बिल वापस लेने का जो औपचारिकता है उसको पूरा किया है। और पूरी दुनिया भर में शायद भारत एक ऐसा देश है जहां पर निर्धन गरीब के लिए इस तरह से खाद्यान्न उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को पूरा भी किया गया, केवल घोषणा ही नहीं की बल्कि उसको जन जन तक पहुंचाने का काम भी किया है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने 19 तारीख को विस्तार में अपनी बात रखी और उसके अंदर जो निर्णय करने की बात थी उसकी जो औपचारिकताएं पेंडिंग थी वो हमने आज कर ली है कैबिनेट में, और जो पार्लियामेंट का करने का काम है वो पहले हफ्ते में ही पहले दिन में से ही हम शुरुआत करेंगे ताकि उस दिशा में आगे बढ़ा जाए। जैसा मैंने कहा जो घोषणा की थी तीन फॉर्म बिल्स को प्राथमिकता के आधार पर वापस करने की, हमने उसकी औपचारिकता पूरी कर ली है कैबिनेट में। और अगर अगली प्रक्रिया जो है पार्लियामेंट में जाने की तो उसमें भी प्राथमिकता के आधार को रिपील करने का प्रोसेस किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर में बनने जा रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। इसी के साथ ही शिलान्यास कार्यक्रम के बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री समेत तमाम नेता मौजूद रहेंगे। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास होने वाला है जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे और वो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। उसको लेकर तैयारियां यहां पर युद्ध स्तर पर चल रही हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं मंच को तैयार किया जा रहा है, ये वो मंच है। इसके अलावा पूरा पंडाल आप देख सकते हैं जिस तरह से इसको तैयार किया गया है। यहाँ भाजपा के लोगों का दावा है कि 2 से 2.5 लाख जो लोग हैं उस सभा में पहुंचेंगे। पहले यहां पे शिलान्यास का कार्यक्रम है और उसके बाद एक जनसभा को प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं वो संबोधित करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले ही यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और उन्होंने इन तैयारियों का जायजा लिया था और साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक की थी, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक की गई थी और भाजपा के जो पदाधिकारी उनके साथ भी बैठक की गई थी। गौरतलब है कि जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और उत्तर प्रदेश के निवासियों को और दिल्ली एनसीआर के निवासियों को 25 नवंबर को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। भूपेश प्रताप सिंह, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, ग्रेटर नोएडा। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।